सूर्या को वेस्ट इंडीज के दौरे से पहले मिली बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, सूर्या को वेस्ट इंडीज के दौरे से पहले बड़ी खुशखबरी मिल चुकी है। दोस्तों आपको बता दें, टीम इंडिया को इसी महीने वेस्ट इंडीज के दौरे पर जाना है, जहां उसे 2 टेस्ट मैच, 3 वनडे और 5 T20 मुकाबले की सीरीज खेलनी है। तो दोस्तों बताएंगे क्या है पूरी खबर, पर इससे पहले आप इस सूर्या के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। जैसा कि आप सब जानते हैं, टीम इंडिया को इसी साल वनडे वर्ल्ड कप खेलना है, जिसकी तैयारियों में टीम इंडिया पूरी तरह जुट गई है। दोस्तों आपको बता दें, वेस्ट इंडीज के खिलाफ होने वाली 5 T20 मुकाबले के लिए सूर्या को टीम इंडिया का कप्तान बनाया जा सकता है। और जबकि टीम इंडिया के परमानेंट कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली और हार्दिक पांड्या को वेस्ट इंडीज के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज से BCCI ने आराम दे सकती है। और साथ ही IPL के 16वें सीजन में शानदार बल्लेबाजी करने वाले अजिंक्य रहाणे और अपनी गेंदबाजी से सबको प्रभावित करने वाले मोहित शर्मा की सीरीज में वापसी हो सकती है। तो चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं कैसी रहने वाली है वेस्ट इंडीज के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11। पहले बात की जाए टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी की, तो ईशान किशन और ऋतुराज गायकवाड़ को इस सीरीज में टीम इंडिया की तरफ से ओपनिंग करने का मौका मिला है। बात करें मिडिल ऑर्डर की, तो तीसरे और चौथे नंबर पर कप्तान सूर्य कुमार यादव और टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज संजू सैमसन खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें, नंबर 5 पर रिंकू सिंह को इस बार टीम इंडिया में डेब्यू करने का मौका मिला है, तो वहीं नंबर 6 पर हमें टीम इंडिया के दिग्गज खिलाड़ी अजिंक्य रहाणे बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। अगर बात की जाए टीम इंडिया के ऑलराउंडर्स की, तो इसमें रविंद्र जडेजा का नाम आता है, तो वहीं बात करें स्पिन गेंदबाजी की, तो इसमें वरुण चक्रवर्ती इस सीरीज में गेंदबाजी करते हुए नजर आने वाले हैं। और जबकि तेज गेंदबाजी की भूमिका अर्शदीप सिंह, दीपक चाहर और मोहित शर्मा निभाते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों ये थे सूर्य के 11 खूंखार शेर, जो सूर्य के साथ मिलकर वेस्ट इंडीज की टीम को T20 सीरीज में हराएंगे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सूर्य इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभा पाएंगे नहीं, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर देना। धन्यवाद।